नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटोमी वियतनाम का कोई जो लीगल नोटिस है वो आया हुआ है, काफ़ी पहले आया हुआ है। तो जो एटोमी की लीगल गाइडलाइन, उसके अंदर ये नोटिस आया है कि आप भी एटोमी कर रहे, जितने भी जो लीडर्स हैं एटोमी कर रहे हैं, तो उसमें उन सब को एटोमी की जितने भी गाइडलाइन है, लीगल गाइडलाइन स्पेशली आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है। अभी रिसेंटली एटोमी ने वियतनाम में जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे थे, वियतनामीज जो कोरिया के मेम्बर हैं, ठीक है, और जो कोरियन रेजिडेंट्स हैं उन्होंने आईडी लगा रखी है, तो कुछ लोग वहाँ पे कोरिया में जो है रेजिडेंसी मिल चुकी है उनको, जो कोरिया में है जितने भी, और वो डायमंड मास्टर और सेल्स मास्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, और वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे थे एटोमी की, ठीक है। एटोमी के प्रोडक्ट को इलीगल सेल आउट करना, स्टोर में बेचना, मेडिकल स्टोर में बेचना, ये सब इलीगल है जो कि एटोमी अलाउ नहीं करती। तो ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने मास्टरशिप लेवल अचीव किया हुआ है, उनके खिलाफ एटोमी ने अभी एक महीने पहले कार्रवाई की है। तो वो कार्रवाई हम आपको दिखाएंगे। अगर आप भी एटोमी के मेंबर हो तो आपको एटोमी की जो लीगल गाइडलाइन है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो एटोमी ऑफिशियल की लीगल गाइडलाइन है वो आपको, मेरे को, हम सबको फॉलो अप करनी पड़ेगी। पास्ट में आपने किस कंपनी में काम किया, आपने किस कंपनी के साथ जुड़े, क्या ट्रैक रिकॉर्ड था उस कंपनी का, उससे कोई मतलब नहीं। आपने जो भी किया उसको साइड में रखिए, आप जैसे भी किया, जो भी किया, ठीक है, उनको साइड में रखिए। एटोमी में सबसे पहले तो आपको एटोमियंस बनना है, ठीक है, और एटोमियंस बनने के लिए आपको लीगल गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, ठीक है। जैसा कि इसमें दिखा रखा है, मैं सिर्फ आपको इसमें इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर देखिए आप, एटोमी वारन दैट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली हैविंग बीन और हैविंग नॉट बीन मेंबर ऑफ एटोमी ग्लोबल सिस्टम एटोमी, ठीक है, लाइक वियतनाम सिटीजन, फॉरनर्स, जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हैं। इन केस ऑफ डिटेक्टिंग एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हु आर करेंटली मेंबर ऑफ एटोमी ग्लोबल कंडक्ट अबव मेंशन बिहेवियर, एटोमी शैल purpose to Atomic Global to suspend or terminate their membership for such individual and organizations as well temporarily suspended or terminate the compensation policies, ठीक है, at the time of detecting violation as mentioned above individual and organization who are not member of Atomic। तो इसमें clearly mention कर रखा है कि जो भी लोग, जो भी organization Atomic की guideline को follow up नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आपको इसके जितने भी लीगल गाइडलाइन है वो फॉलो करनी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाए, ठीक है। आपने इसकी कोई भी गाइडलाइंस वायलेट कर दी, वायलेशन कर दिया, तो यहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड होने में टाइम नहीं लगता। तो बहुत ही दोस्तों साफ सुथरी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म चलने वाली कंपनी है। आप अच्छे तरीके से हार्डवर्क कीजिए, बिल्कुल लीगल वे में, उल्टा सीधा काम बिल्कुल मत कीजिए। एटोमी के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग अलाउ नहीं है करना। एटोमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली एक कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है, आप अपना प्रोडक्ट लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, जो ज़रूरत है वही प्रोडक्ट आप मंगवाइए, ठीक है, आप उसको यूज़ कीजिए और उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बस यही करना है, एक कंज्यूमर प्लेटफॉर्म बनाना है इसको, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट लिख करके कहीं सेल आउट करते हैं, पकड़े गए, तो यहाँ पे आपकी आईडी टर्मिनेट होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो आपकी जो सारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो आप लालच में मत आइए किसी के भी, जो भी आप प्रोडक्ट बाई करते हो एटोमी का, उसके बदले में आपकी आईडी पर पॉइंट वैल्यू गिरता है, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट बाई किया और पॉइंट वैल्यू नहीं गिरा, तो आपको आपके अपलाइन से कॉन्टैक्ट कीजिए, पॉइंट वैल्यू आएगा आपकी आईडी पे तो ही यहाँ पे लीगल परचेज मानी जाएगी, पॉइंट वैल्यू नहीं आएगा तो वो इलीगल प्रैक्टिस मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पीवी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर आपका बिजनेस टिका हुआ है, ठीक है। तो जो भी हैं लीडर्स उसकी लीगल गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो इलीगल सेल करना मना है विदाउट पीवी, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये है, इसमें जो दिखा रखा है उसमें पूरा आप देख सकते हैं, इसका जो नोटिस है वो काफ़ी पहले आ चुका था। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एटोमी ज्वाइन की है, आप एटोमींस बन चुके हो, तो कृपया करके इसमें माल प्रैक्टिस ना करें, माल फंक्शन ना करें, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें ना करें, ठीक है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसकी जितनी भी गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल, जो कि
एटोमी कंपनी से निकला है ये, ठीक है, एटोमी मेंबर अकाउंट सस्पेंशन लिस्ट, तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये टोटल एटोमी मेंबर अकाउंट सस्पेंशन लिस्ट है। एज रिक्वेस्टेड वी हैव रिस्ट एंड चेक ऑल इलीगल मेंबर एंड वी हैव ब्लॉक देयर आईडी। तो ये आइडिया मैम एटोमी ने सब ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है। देखिए आप पोजीशन देखिए इसमें, ठीक है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, एजेंट, शेरोन रोज मास्टर, यहाँ तक कि शेरोन रोज मास्टर तक को इन्होंने नहीं बख्शा। अगर वो भी इलीगल प्रैक्टिस में पाए गए तो उनकी आईडी भी टर्मिनेट कर दी गई है। और मेंबर आईडी इन्होंने दिखा रखा है, ज़्यादा उसका नहीं है, नाम दिखा रखा है, क्या क्या पोजीशन उनका। तो ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको, हमको सबको बचना इन इलीगल चीज़ों से, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए एटोमी में, आप यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल हार्डवर्क करके अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। किसी को भी कंपनी के बारे में झूठ मत फैलाने दो, झूठा प्रचार मत करने दो, सच्चाई बोलो आप सबके सामने, कंपनी की ऑफिशियल गाइडलाइन को फॉलोअप करने के लिए बोलो। जैसा कि आप इसमें दो आईडी नहीं लगा सकते, हस्बैंड और वाइफ में केवल एक ही आईडी लगता है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि हस्बैंड और वाइफ में एक ही आईडी क्यों लगता है। आप अपने वाइफ की आईडी लगा सकते हो, इसमें ऐड उसका नाम करवा सकते हो, तो आपकी आईडी एज ए कपल मेंबर मानी जाएगी, ठीक है। तो जब ये एटोमी लॉन्च होगा ये उस टाइम ही आपका होगा। तो फिलहाल लॉन्चिंग से पहले हस्बैंड और वाइफ की एक ही आईडी लगेगी। सपोज करो हस्बैंड ने भी एक आईडी लगा दी, वाइफ ने भी एक आईडी लगा दी, और आप इसमें बन गए सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरोन रोज मास्टर, ठीक है। जैसे ही आप शेरोन रोज मास्टर बनोगे तो कंपनी क्या करेगी, आपका पूरा फैमिली का बायोडाटा विद लीगल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ मांगेगी। उस टाइम आपका शेरोन रोज मास्टर का रिकॉग्निशन होगा। उस टाइम अगर आपकी वाइफ की आईडी सिस्टम में मिल गई तो आपका जो रिकॉग्निशन है वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। इस मामले में बहुत सख्त है कंपनी। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हस्बैंड और वाइफ की एक ही आईडी लगती है तो क्यों लगती है, ठीक है, उसका आगे चल के प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ में सिर्फ एक ही आईडी लगाइए, डबल आईडी रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, ठीक है। तो जो इसकी लीगल गाइडलाइन है, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग उसको फॉलो करोगे, ठीक है। ये सारे जो नोटिस हैं आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल है, कोई अनऑफिशियल नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी दे रखा है सब कुछ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अच्छी तरह से हार्डवर्क करके एटोमी में काम कीजिए, और एटोमी जब लॉन्च हो तो हम सब दुआ करते हैं कि आप लोग एक अच्छा लेवल, मास्टरशिप लेवल हम सब लोग मिल करके अचीव करेंगे, ठीक है दोस्तों। एटोमी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उनसे अपडेट होने के लिए जो नए यूजर्स हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पर एटोमी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और अगर आप हमारी टीम वॉरियर एटोमी की जो नंबर वन टीम है इंडिया की, और इंटरनेशनली हमारा काम भी ऑलरेडी जा चुका है, 12 कंट्री में काम चल रहा है, तो आप एटोमी टीम वॉरियर से ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा हर जगह। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।